साफ करूंगी उसके बाद जाऊंगी मैं ऊपर। ऊपर बारिश तो नहीं लगी? बारिश तो बंद हो गई है ऊपर। वंश वाइपर देना, वाइपर मंगाती हूँ यहाँ पे। कहाँ पे? दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे है नहीं। दो मिनट लेके आ जल्दी वाइपर, ये पानी साफ कर दूं उसके बाद जाऊंगी ऊपर। तो गाइस अभी मैं थोड़ा पानी साफ कर देती हूँ उसके बाद जाऊंगी ऊपर। और इवनिंग का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो रहा था, तो ऐसे ही बैठे थे कि चलो छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं, आप सभी को दिखा देते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा फिर से नुकसान हुआ है HRTC की। कल बस गई थी इवनिंग में, तो सोच रहे बता रहे हैं कि न्यूज़ में कि उस बस का काफ़ी नुकसान हुआ है, मतलब जान तो बच गई है, मतलब लोगों को चोट वगैरह लगी है थोड़ा, इसीलिए। तो मैं भी ये पानी साफ कर देती हूँ। तो गाइस बस मैंने कर दिया है साफ, मैंने लगा दिया है यहाँ पे वाइपर, तो थोड़ा सूख जाएगा थोड़ी देर बाद ये। तो मैं जाती हूँ ऊपर थोड़ा सा, ऐसे बारिश तो रुक गई है, चलो ऊपर चल के करती हूँ बात आपसे। हमारे लेंटर पे यहाँ पे पानी आ गया है देखो, और इस वाले कमरे में जो यहाँ पे पिलर लगा है, इस वाले कमरे में हमारे सीलन जा रही है, पता नहीं कैसे यहाँ से पानी रस रहा है, यहाँ से कहीं पर पानी खड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे रूम में यहाँ से सीलन जा रही है, यहाँ पे नहीं है शायद, यहाँ पे है, यहाँ पे पानी खड़ा ही है। तो अंदर से छत के जो ब्लैक ब्लैक हो रखा है, तो उसको करवाना पड़ेगा ठीक। तो उधर हमने पाइप नहीं लगाई, वहाँ पे भी पानी खड़ा है। दिन में बारिश हुई है, सुबह भी बारिश थी, अभी रुकी है, तो सो तभी निकली हूँ ऊपर कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ आपको। सो गाइस सबसे पहले कि आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और आप भी बताना कि आपके किस किस एरिया में कहाँ कहाँ पे अभी भी बारिश लगी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो हिमाचल में बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, बारिश दिन भर रात भर, अभी थोड़ा रुकी है, तो आपको दिखा रही हूँ जस्ट का ये। और ऊपर का देखो, ऊपर ऐसे लगी है कि जैसे बर्फ़ लगी है, ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, जैसे ऐसे लग रहा है यहाँ पे देखो, जबकि ये फॉग जैसी है, धुंध जैसी उड़ती है ये, वो है ये। तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते, मौसम ख़राब है बिल्कुल ही। तो बहुत ही नुकसान हुआ है, कल भी HRTC की बस गई थी यहाँ से शिमला, HRTC की बस गई यहाँ से रामपुर से शिमला तक, तो उसका भी बताया गया कि उस बस पे काफ़ी जो पत्थर आए हैं, और उनके बावजूद भी जो लोग थे, सवारियाँ थी उसमें, तो उनका चलो जान तो बच गई है, बट जो चोट लगी है तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है बस का हुआ है, बाकी सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी अब की बार पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो गया है मौसम को, इतना कभी नहीं सोचा था कि लगातार ऐसे कुछ होगा, क्योंकि मुझे भी जाना था इस बार छुट्टियों में, बट मैं नहीं जा पाई। और घर पे मेरी भी मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनको भी थोड़ा ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो मुझे भी जाना था, तो बट जा नहीं पाई। सो चलो, तो सोचा कि आज आपको इस ब्लॉग के छोटे से इस माध्यम से बता देती हूँ कि आपके एरिया में कहाँ कहाँ किस साइड पे क्या हुआ है, कैसा नुकसान हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको आज का वीडियो कैसा लगा है बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, बाय बाय।